समझदार लोग होते हैं ना वो, जो रात को अलार्म भरते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं। वो तो पागल लोग होते हैं जो अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने सपनों को जो पूरा करना है। समझदार लोग होते हैं ना वो जो इतिहास पढ़ते हैं। वो तो पागल लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं। बुरे वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। अगर लोग आपको पागल कहें तो आप समझ लेना, आपने कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कि सबके सोच से परे हैं। वो समझ नहीं पाएंगे कि आपने क्या किया है, इसलिए वो आपको पागल कहते हैं। वही एक रीज़न है। और अगर आप उन्हें कन्विंस करने में लगे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके बात से एग्री नहीं करता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता, और आप उनको अपने बात मनवाने में लगे हो, तो फिर आप डफर हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके सपने नेक नहीं हैं, खोखले हैं आपके सपने, आपके सपने में जान नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई आपका साथ ना दे, कोई आपसे एग्री ना करे, तो आपके अंदर से एक आवाज़ निकलनी चाहिए, तू भी एक दिन दुनिया वालों की तरह मेरे कदमों में होगा। यही वो एटीट्यूड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे ही पागलपन, कुछ ऐसे ही एटीट्यूड था उन शख्सियत में जो दुनिया को बदल कर चले गए, और कुछ इस कदर दुनिया को बदले कि पूरी दुनिया देखती रह गई। बिल गेट्स, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं की, और शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जो धीरू अंबानी को नहीं जानते होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक अनिल धीरू अंबानी, बचपन में पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे, अब्राहम लिंकन, जब बचपन में जूते सिला करते थे और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने, रजनीकांत, एक टाइम हुआ करता था जब वो बस कंडक्टर हुआ करते थे, और आज देखो सुपरस्टार, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें आज हम सब क्रिकेट के भगवान के नाम से जानते हैं, जो कि 10वीं फेल हैं, उसके बावजूद भी क्रिकेट के इतने अच्छे खिलाड़ी बने। ये सब कुछ एग्जाम्पल है जो हमें बताती है, जिंदगी वो नहीं जो हमें मिलती है, जिंदगी वो है जो हम बनाते हैं। या तो आप तय कर लो कि आपको जिंदगी में क्या करना है, या फिर जिंदगी तय करेगी कि आपका क्या करना है। हमें इन दुनिया वालों से कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है। ऐसे ही देखते रहिए द मोटिव को। मैं लौटूंगा और एक सकारात्मक सोच के साथ।